पैलेट गन दिखती कैसी है, पुलिस इसे कहां और कब यूज कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। मेरे साइड में चल रही तस्वीर पैलेट गन पंप करने वाली बंदूक है। पुलिस की फेवरेट और प्रदर्शनकारियों के लिए खौफ का दूसरा नाम यह है पैलेट गन। चलिए आज एक्सप्लोसिव क्राइम के स्पेशल एपिसोड में पैलेट गन को डिकोड करें। कश्मीर की ये तस्वीरें आम बात हैं। पुलिस, सीआरपीएफ और लोकल्स के बीच होती ये झड़प आए दिन नेशनल मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज तो वहीं अखबार की फ्रंट पेज न्यूज बनती हैं। शुरुआत में जब कश्मीर में ऐसे उपद्रव होते थे तो पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल करती थी, लेकिन भीड़ ने इसका तोड़ निकाल लिया। जैसे ही सेना आंसू गैस का प्रयोग करती, भीड़ उस पर गीला बोरा डालकर उसको तुरंत उसका असर खत्म कर देती। इसके बाद आया मिर्ची बम। इसकी खासियत थी कि अगर इसे लोगों पर फेंका जाए तो त्वचा और आंखों में जलन होने लगती थी, लेकिन इसमें एक पेच था। बड़ी संख्या वाली भीड़ पर मिर्ची बम उतना असरदार नहीं हुआ करता था। ऐसे में सुरक्षा बल को अपनी सुरक्षा के लिए एक विकल्प सोचना था जो उनकी रक्षा कर सके। तब जाकर मेन पिक्चर में आती है दुनिया भर में भीड़ को नियंत्रित करने वाली नॉन लीथल हथियार पैलेट गन, जो कि सुरक्षा बलों के बीच खासी लोकप्रिय थी। चलिए आसान शब्दों में समझें क्या होती है पैलेट गन। पैलेट गन का निर्माण पश्चिम बंगाल के ईस्टपुर राइफल फैक्ट्री में होता है। एक ऐसी बंदूक है जिसमें कई तरह के कारतूस इस्तेमाल होते हैं। कारतूस 4 से 12 की रेंज में होते हैं। 4 को सबसे तेज और खतरनाक माना जाता है। फायर होने के बाद एक साथ सैकड़ों छर्रे निकलते हैं जो कि रबर और प्लास्टिक के होते हैं। पैलेट गन के कारतूस में करीब 100 पैलेट्स होते हैं और करीब 100 मीटर के दायरे में गन 100 पैलेट्स की बौछार करता है। टारगेट में फायर करने के बाद छर्रे सभी दिशाओं में बिखरते हैं, जिससे कि पास या दूर खड़े सभी इसकी चपेट में आ जाते हैं। छर्रे होते कैसे हैं, अब ये भी देख लें। तस्वीरों में ये 9 तरीके के छर्रे हैं जो कारतूस में भरे जाते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि ये गन सुरक्षा बलों में इतनी लोकप्रिय क्यों है। अगर आपको इसी तरह की वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।